वेलकम स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्कशन होगी। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। दैट इज़ द साइकिल व्हिच इज़ अकर इन द फीमेल प्रीमेट्स। तो इन केस ऑफ द प्रीमेट्स, प्रीमेट्स क्या हो गए, जो जिनका ओरिजिन एप लाइक है, मंकी लाइक है। ठीक है, उन सभी के केसेस में जो फीमेल्स हैं उनके केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होता है। ये जो साइकिल है इट इज़ ऑफ 28 डेज और लूनर साइकिल भी कहा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में। द मेंस्ट्रुएशन अकर इन द ह्यूमन प्रीमेट्स एंड द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इन केस ऑफ अडल्ट फीमेल्स एट द इंटरनल ऑफ वन लूनर मंथ इन ए फीमेल ह्यूमन्स। तो फीमेल ह्यूमन्स के केसेस में वन लूनर मंथ में, लूनर में चांद के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो 28 डेज का इसका साइकिल होता है, हमारे को पता है कि नाम इसका मून का, तो उसके अकॉर्डिंग ही भी ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कहता है फेसेस। इसमें कौन कौन से फेसेस है, एक फेसेस का नाम है, सबसे पहले का फेस का नाम है प्रोलीफरेटिव फेस है, ल्यूटर सेक्रेटरी फेस है, और मेंसुल और ब्लीडिंग फेस कहा जाता है। तो ये दीज आर द थ्री डिफरेंट फेसेस विच अकर इन मेंसुरल साइकिल। अब साइकिल को क्लियर देखेंगे तो साइकिल देखो, ये 28 डेज का साइकिल बनाया हुआ है। देखो तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट डेज को हमने क्या किया है, पार्टीशन कर दिया गया, और जिसमें हमने फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फेस दिख रहा है जो 28 डेज के बाद शुरू हुआ है अप टू द 7th डे तक, ठीक है, तो ये लगभग 3 से 5 दिन का होता है, तो कभी थोड़ा सा बढ़ता है और घटता भी है। दैट फेस इज कॉल्ड द मेंसुरल फेस और ब्लीडिंग फेस कहा जाता है। इस फेस की बात करेंगे तो इट इज़ द फेस ऑफ लीस्ट फर्टाइल नेचर का होता है, तो इसमें फर्टिलिटी की चांसेस बड़े ही कम होते हैं। इसको भी पार्टीशन की गई है, तो जो मेंसुरल फेस है एक प्री में कर दिया गया है और एक पोस्ट मेंसुरल फेस है। देखिए, प्री फेस में जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग फेस कहा जाता है बड़ा ज़्यादा, और लास्ट में जो है रिकवरी पीरियड रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट मेंसुरल फेस कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है प्रोलीफरेटिव फेस। द प्रोलीफरेटिव फेस जो है ये वो फेस है जब जो फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं वो अपना साइज इंक्रीज़ करते हैं और ओवम की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, फॉलिकल सेल्स के अंदर वही चीज़ के द्वारा कहता है पॉसिबल टू कंसीव। तो ये जो डेज शुरू हो रहे हैं स्टार्टिंग वाले डेज में पॉसिबल टू कंसीव जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसमें चांसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब सबसे पहले है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो ये कह सकते हैं जिसमें बेस्ट चांस है, दैट इज लगभग 9th डे से लेकर 14th डे तक का जो डे है पीरियड है, इट इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर कंसेप्शन होता है, जिसमें चांसेस जो है फर्टिलिटी के सबसे ज़्यादा होते हैं। इसको हम प्रोलीफरेटिव फेस कहते हैं और इसमें जो है प्रोलीफरेशन होती है। प्रोलीफरेशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है उसका साइज इंक्रीज़ करता है और उसमें ओवम की प्रोडक्शन होती है। ये जो साइकिल जो फेस है, साइकिल का फेस है लगभग 14 डेज का रहता है। देखो, नेक्स्ट इज द 15th डे में ओवुलेशन होती है, दैट मीन्स 15th डे में जो फॉलिकल सेल बड़ा हो गया होता है और उसमें ओवम की प्रोडक्शन होती है और वो ओवा जो है रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पॉसिबल टू कंसीव। अब जो है बेस्ट चांसेस है थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, अगर यहाँ भी स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन चांसेस बढ़ सकती है। आस्ते आस्ते क्या है, डेज जो है बढ़ते जा रहे हैं और अब फेस शुरू हो गया है ल्यूटल फेस। ल्यूटल फेस की तरफ कह रहे हैं और इस ल्यूटल फेस की बात करेंगे तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अब थिकनिंग होना शुरू हो गई है, अनलाइकली टू कंसीव, अब चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं कंसीव जो है, अगर करने भी है तब भी चांसेस जो हैं बड़े ही कम हो चुके हैं और फर्टिलिटी का पीरियड बड़ा ज़्यादा कम। नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन। थिकनिंग यूट्रिन की जो थिकनेस बड़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर जो है आप कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी डीजनरेट होना शुरू हो गया। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये येलोश बॉडी है जो साइकिल के बीच में जब ओवा रिलीज हो जाएगा उसके बीच में एक येलोश बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, और इस टाइम पर वो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिक्रीज हो जाता है और इस तरीके से साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है और आगे से दूसरा नया साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस की बात कर रहे हैं, फॉलिकल फेस, और इसको हम प्रोलीफरेटिव फेस भी कहते हैं। ठीक है, तो 14 डेज का है। तो सबसे पहले शुरुआत साइकिल की कैसे हो रही है, द इंटीरियर पिट्यूटरी लोब
और पिचुटरी सिक्रीट FSH। तो FSH हार्मोन जो है सिक्रीट करना शुरू करता है इंटीरियर पिचुटरी, ठीक है। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल सेल्स को बड़ा करेगा। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरी फॉलिकल एंड मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन द फीमेल। फीमेल्स में प्राइमरी ओसाइट्स की जो है मैचुरेशन करना शुरू हो जाता है और फॉलिकल सेल जो ओवरी फॉलिकल सेल है उनकी ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रोथ होना शुरू हो गया, दैट मीन FSH को स्टिमुलेट किया, FSH को स्टिमुलेट किया तो उसने क्या है प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन करना शुरू कर गया। अब नेक्स्ट कहता है FSH स्टिमुलेट फॉलिकल सेल टू सिक्रीट एस्ट्राडियोल फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके साथ ही जो है FSH जो है वो स्टिमुलेट भी कर रहा है, ठीक है, कौन से हार्मोन को? एस्ट्राडियोल को। मगर ये एस्ट्राडियोल किसको कर रहा है? FSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ओवेरी को, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो ओवेरी सिक्रीट करता है। तो ये ओवेरी सिक्रीट करेगी कौन सा? एस्ट्राडियोल। जैसे ही एस्ट्राडियोल की सिक्रीशन होना शुरू होती है FSH इज इनहिबिटेड बाय एस्ट्राडियोल। तो FSH का लेवल अब क्या हो गया? कम हो गया और एस्ट्राडियोल जो है वो बढ़ गया हुआ है और उसने स्टिमुलेट कर दिया है अब LH को। दैट मीन जैसे एस्ट्राडियोल हुआ तो उसने इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या किया? स्टिमुलेट किया कि अब तुम FSH की जगह LH हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दो। तो LH हार्मोन जो है वो अब पिट्यूटरी करना शुरू करेगी। अब LH हार्मोन स्टिमुलेट द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अभी तक मैच्योर हो गया होगा फॉलिकल सेल और वो उसको क्या कहते हैं ब्रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और जैसे ब्रेस्ट होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन मीन्स ओवा जो है रिलीज हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड आकर इन द 15th डे। ये 15th डे पे परफॉर्म होता है। अभी दिखाएंगे एक बार डायग्राम में। एस्ट्राडियोल प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अगर अब जो क्या कह सकते हैं ओवम प्रोडक्शन हो चुकी है, अब इसकी इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस, उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए जो है यूट्रस को प्रिपेयर किया जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं हम अब मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो क्या कर रही है बढ़ाते जा रहे हैं, उसको थिकनेस करते जा रहे हैं मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम की, ठीक है, लेयर थिक। और क्या कह द ग्लैंड स्टार्ट सेक्रेटिंग न्यूट्रिटिव फ्लूइड इन ए यूट्रेन कैविटी। यूट्रेन कैविटी में अब न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिलीज हो रहा है ताकि जो ओवम है उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो अब हम डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं ओवेरियन साइकिल की बात कर रहे हैं। ये देखो कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, इसने क्या किया? इसने पहले क्या किया था? FSH का लेवल किया था। देखो ये जो डायग्राम दिख रही है दिस वन, ये FSH का लेवल इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ये FSH का लेवल इंक्रीज़ हुआ और बाद में ये डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। कब डिक्रीज़ हुआ? ठीक है, कब डिक्रीज़ हुआ? जब एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू किया। एस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? एस्ट्राडियोल का लेवल इंक्रीज़ किया, उसने प्रमोट किया किसको? किसको? LH को सिक्रीट करना, जो इंक्रीज़ कर रहा है। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? ये फॉलिकल सेल था जिसमें प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई, आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है, ये बना ग्राफियन फॉलिकल। और 14 डे हो गए और 15 डेज में ओवुलेशन हो गई, ये ओवा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये ओवा रिलीज कर रहा है, ठीक है, ओवा रिलीज कर रहा है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज द ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज की बात कर रहे हैं हम, तो ल्यूटल फेज जो है वो 10 डेज का है। इसमें क्या है? द LH अलॉन्ग विद द प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट एम्प्टी फॉलिकल सेल टू फॉर्म ए येलोश बॉडी इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटम। तो अब क्या कहता है? LH अलॉन्ग विद द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द मैमरीज ग्लैंड, तो क्या करना शुरू हो गया है? इंक्रीज हो गया और सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है, तो वो स्टिमुलेट करेगा कि जो ग्राफिन फॉलिकल बना उसमें से ओवर रिलीज हो गया, अब उसके बीच में एक येलोश बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसके साथ क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, अब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होते जाएगा, जो क्या कर रहा है एंडोमेट्रियम की और फ्लॉपिन ट्यूब में थिकनेस और बढ़ा रहा है ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस मेंटेन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इफ द फर्टिलाइजेशन नॉट अकर देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट टू फॉर्म द कॉर्पस एल्बिकन्ट। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो आस्ते आस्ते डीजनरेट हो जाएगा और वो कॉर्पस एल्बिकन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, एल्बिकन की फॉर्मेशन कर देगा। ये यहाँ पर दिखाया था मैंने कि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट कर रहा है और आस्ते आस्ते कॉर्पस एल्बिकन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके साथ ही देख लेते हैं। ये देखो ओवुलेशन हो गई थी और उसके बाद ये ओवा रिलीज़ हो गया और आस्ते आस्ते चल रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ? एस्ट्रोजन का लेवल जो है यहाँ के बाद कम हो गया है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है ये इंक्रीज़ हो गया। तो ये कम हो रहा है, ये ल्यूटल फेस में हो रहा है, ल्यूटल फेस में इसका लेवल इंक्रीज़ कर रहा है।
ठीक है। इसके लॉन्ग एंडोमेट्रियम की लाइनें देखो आस्ते आस्ते ऐसे बढ़ती जा रही है, थिकनेस होती जा रही है। ये देखो जैसे ही वो ओवुलेशन हो गई अब थिकनेस और बढ़ गई है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिकनेस हो रही है, उसमें ब्लड वेसल्स की कनेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट फेज, दैट इज कॉल्ड एज द मेंसुलर ब्रीडिंग फेज, विच इज़ ऑफ 4 to 5 days का होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो सेकेंडरी ओसाइट्स है अंडरगो ऑटोलिसिस, जिसको एट्रीसिया कहते हैं, तो अपने आप जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, कॉज डेथ ऑफ द ओवम की डेथ हो जाती है, अपने आप को मार देता है। ठीक है, एलएच का लेवल क्या हो गया, कम होते जा रहा है, जिसके कारण क्या कार्पस ल्यूटियम यह है रिग्रेस हो गया है और बना रहा है कार्पस एल्बिकन। क्या बना रहा है, कार्पस एल्बिकन। ब्लड वेसल जो है उसके साथ जो लगी थी वो रक्चर हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी, क्योंकि वो बनाई किसके लिए थी कि अगर ओवम जो है रहेगा वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए डेवलपमेंट करेगा, फिटस की डेवलपमेंट के लिए, तो अब वो जब ओवम बना ही नहीं उसकी डेथ हो गई, तो ब्लड वेसल जो लगी हुई थी वो भी इसकी भी डेथ होगी और वो भी टूट जाएंगी, अब कास्ट ऑफ हो जाएंगी, यूट्राइन फ्लॉपिन ट्यूब से उसके टिश्यूज यहाँ निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो ब्लड वेसल टूटेगी द ब्लड आउट फ्रॉम द रप्चर ब्लड वेसल एंड पास टू द वेजाइनल ओपनिंग, से ओपनिंग से वो बाहर निकल जाएगा, काफ़ी मात्रा में इसमें ब्लड फ्लो रहता है। मेंसुरेशन इज नोन एज द फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज को हम कहते हैं, और वीपिंग ऑफ यूटरस भी कहा जाता है। ठीक है, यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेंसुरेशन में क्या हुआ, मेंसुरेशन इज अकर ड्यू टू द डेथ ऑफ द ओवम, ओवम की डेथ के कारण है। एफएसएच लेवल अर्किन की अब क्या है, साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब एफएसएच का लेवल दोबारा से बढ़ेगा, एलएच का लेवल जो है फिर से डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण नया साइकिल जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, आपको थोड़ा सा एक बार फिर से लास्ट में एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि साइकिल ऐसे शुरू हुआ। ठीक है, साइकिल बढ़ते गया, फॉलिकल सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो गया यहाँ तक तो ग्राफिन फॉलिकल बन गया, उसके क्या हुआ ओवर रिलीज़ हो गया, ओवुलेशन हो गया, आस्ते आस्ते क्या हुआ ल्यूटल फेस एंट्री होगी, ल्यूटल फेस में कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम जैसे बना आस्ते 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 जाते जाते कार्पस ल्यूटियम क्या होगा डीजनरेशन होना शुरू हो गया, क्योंकि ओवम की डेथ हो रही है, प्रेगनेंसी की चांसेस नहीं बने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, डिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन होने के बाद करते करते वो ल्यूटल फेस भी ख़त्म हुआ और अब क्या होगी डेथ हो गई ओवा की, और ओवा की जो डेथ होने के कारण क्या हो गया मेंसुरल फेस शुरू हो गया, ब्लीडिंग फेस अकर होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग फेज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है समझ लो, और आस्ते आस्ते अब रिकवरी आ रही है, रिकवरी का पीरियड आना शुरू हो गया और एफएसएच का लेवल अब दोबारा से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। होप करता हूँ आप सभी को ये मेंसुरल साइकिल का टॉपिक समझ आ गया होगा।